Exposure to Jai Hind will not help in combating global warming or other natural disasters such as earthquakes, volcanoes, hurricanes, Rahul Mahajan, Uday Chopra, Rakhi Sawant, etc. What Jai Hind can do is toilet train that morbidly obese lizard who scares you out of your wits every night when you wake up from your bed and go to your kitchen for a glass of water. In rare cases of high exposure to Jai Hind, the obese lizard can actually start a friendly conversation with you and even debate on whether E is equal to MC square is a big hoax or not. In occurrence of such events, ignore the fat lizard and go back to sleep, you sleepwalking Dumbo. Jai Hind. ये देखिए ये है आईपीएल से मेरी कमाई. जी हाँ, मैंने आईपीएल फाइनल में पैसा लगाया था और मैं पूरे $100 जीत गया. $100 ललित मोदी की कमाई से सिर्फ $40 मिलियन कम. जैसा कि आपको पता ही है आईपीएल में सारा काम डॉलर्स में होता है और जो डॉलर में नहीं हुआ वो अब ललित मोदी की कॉलर पकड़कर हो रहा है. लेकिन क्या फटा है ना आईपीएल का गुब्बारा, अंदर से इतना माल निकला है कि सारा बटोरने के लिए हमें चिरायु होना पड़ेगा. वैसे आमीन. वैसे आपको पता है मुंबई फाइनल क्यों हार गया? इस वजह से. देखिए, जी हाँ, मुकेश अंबानी डर गए. उन्हें लगा कि अगर सेमीफाइनल जीतने पर भज्जी ने ये किया तो फाइनल जीतने पर ये क्या करेगा. इसीलिए उन्होंने कहा, ए छोकरा लोग, हारी जाओ भाई, मैच हारी जाओ तुम्हें. कुछ लोग अब ललित मोदी से सच उगलवाने के लिए उनका नार्को एनालिसिस करवाने की मांग कर रहे हैं और ललित मोदी ने कहा, अबे तुम क्या करोगे, मैं डेली अपना नार्को एनालिसिस करता हूं. तुम्हें चाहिए क्या? वैसा सुना है कि आईपीएल के नए कमिश्नर चिरायु अमीन की इमेज काफी अच्छी है और इस पर ललित मोदी ने कहा, इमेज अच्छी है? अरे इमेज तो मेरी भी अच्छी थी, डेली इतनी इमेजेस खिंचवाता था टॉप मॉडल्स और एक्टर्स के साथ. जैसे कि ये देखो, ये वाली देखो, इससे अच्छी इमेज क्या होगी. अभी बाकी है एलएनएन में ललित मोदी, यूएन की नई टॉयलेट वाली स्टडी और लालू प्रसाद यादव पहुंचे जू में, बट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. वेलकम गाइज. स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने आईपीएल में प्लेयर्स को ग्राउंड में पेंट से लिखे गए इंडिया पर दौड़ने से मना किया और प्लेयर्स ने कहा, अच्छा अगर उस साइड बॉल गई तो हम उसके ऊपर जाने से पहले जूते उतार देंगे, उसमें क्या. सिंपल. लेकिन सोचिए, ऐसी सब अजीब अजीब बातें सोचने वाले स्पोर्ट्स मिनिस्टर MS गिल का दिमाग कितना छोटा होगा. आपको क्या लगता है? चलो ठीक है, हमें अभी SMS कीजिए और बताइए MS गिल का दिमाग कितना छोटा है. ए इतना, बी इतना, या सी इतना. सही जवाब भेजने वाले को मिलेंगे इंडियन हॉकी टीम के 10 साल पुराने कपड़े जो वो अभी तक पहन रहे हैं, इसीलिए आपको खुद जाकर उतारने पड़ेंगे. हाईकोर्ट के नए ऑर्डर के बाद एनडी तिवारी को नाजायज औलाद केस में आखिरकार DNA टेस्ट करवाना ही पड़ेगा. और एनडी तिवारी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल करो,
अच्छा अच्छा करना, बहुत दिन हुए मुझे किसी ने छुआ ही नहीं है। ईरान के जो मुल्ला हैं, उन्होंने कहा है कि एक्स्ट्रा मराइटल सेक्स करने से दुनिया में अर्थक्वेक आता है। और ये सुनकर ईरान के सारे लोग एक्स्ट्रा मराइटल सेक्स में जुड़ गए। उनका कहना है इसी बहाने मुल्ला तो मरेंगे। और मानना पड़ेगा मुल्ला लोगों के दिमाग में कैसे कैसे आइडिया आते हैं। एक्स्ट्रा मराइटल सेक्स करने से अर्थक्वेक आता है। कसम से यार, अगर एक्स्ट्रा मराइटल सेक्स से बस इतना ही नुकसान होता तो सारे मर्द वही कर रहे होते। और वैसे भी मुल्ला लोगों के दिमाग में इतने सालों से सेक्सुअल कुंठा भर गई है, अब सेक्स के बारे में सोचने से वो फटने लगे होंगे अंदर ही अंदर, इसीलिए उन्हें अर्थक्वेक जैसा फील आता है। आईपीएल के दौरान युवराज सिंह एक रात सिक्योरिटी को चकमा देकर होटल से निकल गए। शर्मा लीजिए सिक्योरिटी वालों को, अगर उन्हें युवराज सिंह जैसा हाथी नहीं दिखा तो क्या दिखेगा यार। वरुण गांधी ने अब कहा है कि गौ हत्या यानी कि काउ स्लॉटर पर बैन लगाना चाहिए, और उन्होंने कहा है जिसने इस बात का विरोध किया वो उसके हाथ काट देंगे। वैसे उनकी मम्मी मेनका गांधी इस बात से बहुत खुश हैं कि चलो बेटे ने भी फैमिली बिजनेस के गल्ले पर बैठना शुरू कर दिया। जानवरों को बचाओ बाकी सब टाइप। विवेक ओबरॉय ने कहा है कि उनकी फिल्म प्रिंस के लिए उन्होंने दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रिंस दोनों हाथों से काम कर सकता है। एक मिनट, आपने दोनों हाथों से किया क्या? आपके पास सामान तो एक ही है, या फिर प्रिंस हैज ट्विंस? और अब बात निकली है तो कोई इंसान दोनों हाथों से क्यों लिखेगा? मतलब एक हाथ से तो ऑलरेडी लिखते ही हैं, खाली दूसरे से लिखने की प्रैक्टिस भी कर लो तो हो जाएगा ना। या हो सकता है विवेक ने आज तक एक हाथ से भी नहीं लिखा, टूट गए। और आपको जानकर बे इंतहा खुशी होगी कि प्रिंस सुपरहिट हो गई। यस यस, इट्स नॉट अ जोक, प्लीज। बी सेंटर्स में सिंगल स्क्रीन्स में प्रिंस सुपरहिट हो गई है। एक्चुअली ज्यादातर लोग इस धोखे से हॉल में गए कि उन्हें लगा कि शहर में नई सर्कस लग गई है। यू नो, वो मौत का कुआं, जोकर, रशियन डांसर्स। विवेक ओबरॉय ने फिल्म के हिट होने के बाद कहा, एक्चुअली हमारे लिए ही कहा होगा कि जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, हमारे लिए कहा होगा कि जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं वो अब मुंह छुपा के घूम रहे हैं। वेल, विवेक ठीक ही कह रहे हैं। वी सॉ समबडी जो आजकल मुंह छुपा के घूम रही है, देखिए। ओह सॉरी सॉरी विवेक, वॉज दैट योर डैड? आई मीन वी आर वेरी सॉरी। एनीवे, कैरी ऑन कैरी ऑन। अभी बाकी है LNN में ललित मोदी, जू में लालू प्रसाद यादव, और हमारा टॉप फाइव जिसमें दिखाऊंगा पांच स्टेजेस ऑफ पर्सनल न्यूडिटी, बट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। सिंथेसाइजरिस्ट हैं, वो कुछ बजा नहीं रहे तो इसीलिए मैंने देखा उनकी तरफ। हाँ, जाग रहे हैं वो, जाग रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पटना जू में गए और हंगामा हो गया। जी हाँ, सारे जानवर अपना अपना चारा छुपा के बैठ गए। एक्चुअली हुआ ये कि लालू जी के सिक्योरिटी वाले जू में हथियार लेकर आ गए। जो जू में बैल है? हाँ, लालू प्रसाद यादव के जो सिक्योरिटी वाले हैं वो अचानक जू में हथियार लेकर आ गए। हाँ, हथियार लेकर आ गए जो जो जू के रूल्स के खिलाफ है भाई। और जब जू वालों से पूछा गया कि आपने उन्हें ये रूल बाहर ही क्यों नहीं बताया,
तो उनका कहना था कैसे बताया, उनके हाथ में हथियार था। वैसे लालू यादव जू के अंदर जानवर देखने नहीं बल्कि एक मंदिर में दर्शन करने गए थे। जू में दर्शन। लालू जी को मालूम होना चाहिए कि हनुमान जी जू में नहीं होते। बट आई कैन अंडरस्टैंड, जानवर देखने वो जू क्यों जाएंगे, वो तो पार्लियामेंट में ही दिख जाते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, अपने जू में शेर भी कुत्ता होता है। जू के अंदर मंदिर क्यों है? कि आपने आज तक मंदिर के अंदर जू देखा है? अच्छा, बीजेपी ने कहा है कि वो सरकार के फूड सिक्योरिटी बिल का समर्थन करेगी, और सरकार ने नितिन गडकरी को देखकर कहा अबे और कितना चाहिए। वैसे इसके बाद सरकार और भी बहुत सारे बिल्स लाने वाली हैं, ऐसे बिल्स जो आपको पता भी नहीं, आपने सुना भी नहीं होगा। इनफैक्ट आज का टॉप 5 जो है वो यूपीए 2 के 5 ऐसे नए एक्साइटिंग बिल्स जो आपको अब तक पता ही नहीं। हाँ, सुनिए, नंबर 5 पर है नरेगा के बाद आ रहा है नरेगा, नेशनल डायनास्टिक एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब कि अगर आपके खानदान में कोई पहले से नेता है तो नेता बनना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। नंबर 4, राइट टू एजुकेशन के बाद राइट टू ट्वीट। इसके बाद देश का कोई भी मासूम उदास जरूरतमंद मिनिस्टर का पठा ट्विटर की रोशनी से वंचित नहीं रहेगा। गूगलो मा ट्विटर गमया। नंबर 3, विसल ब्लोअर एक्ट के बाद आएगा विसल ब्लोअर राइट, जिसके चलते लालू मुलायम और पासवान जैसे लोफर पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर आने जाने वाली महिलाओं पर हक से सीटी बजाएंगे। नंबर 2, फाइनेंस बिल के बाद आएगा फाइनेंस गया भाड़ में बिल, जिसकी बदौलत सरकार ये मान लेगी कि अब इन्फ्लेशन का कुछ नहीं हो सकता, दोबारा मत पूछना। नंबर 1, राइट टू इंफॉर्मेशन के बाद आएगा राइट टू आईपीएल, जिसमें हर मंत्री नेता और नेता के साले को आईपीएल में बेनामी काला पैसा लगाने का फंडामेंटल राइट मिलेगा। और अभी बाकी है ललित मोदी के वजन से दबा जा रहा एलएनएन। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, यही बजाओ। वेरी ओल्ड जोक जो हमें रीडर्स डाइजेस्ट में मिला, बट स्टिल वेरी वेरी रेलेवेंट। डू यू नो राहुल गांधी की आज तक शादी क्यों नहीं हुई है? क्योंकि कांग्रेस वाले हर इलेक्शन टाइम पर देश भर में लिख देते हैं सोनिया को बहू मत दो। शाहरुख ने आईपीएल के दौरान कहा था कि अगर उनकी टीम केकेआर जीती तो वो नंगे होकर नाचेंगे। थैंक गॉड केकेआर नहीं जीती, और थैंक गॉड अंबानीज भी नहीं जीते। ये रहा आज का लेट नाइट न्यूज, मतलब एलएनएन, जिसमें है आपके हमारे हम सबके प्यारे दुलारे ललित कुमार मोदी। देखिए, नमस्कार, ये है एलएनएन और मैं बरक दत्ता। ब्रेकिंग न्यूज, ललित मोदी ने करवाया अपना रेजिग्नेशन लेटर भी स्पॉन्सर्ड। जी हाँ, आईपीएल चीफ ललित मोदी ने जाते जाते अपना रेजिग्नेशन लेटर तक 12 कंपनियों से स्पॉन्सर करवा लिया। हमारे पास है उनके रेजिग्नेशन लेटर का एक एक्सक्लूसिव वीडियो। आज डीएलएफ आईपीएल 3 का मैक्स मोबाइल लास्ट डे है। बचपन में मैंने एक हनुमान छाप बीड़ी सपना देखा था। दुनिया भर के करोड़ों लोगों को एक साथ डीएलएफ मैक्सिमम चूतिया बनाने का, आज उस सपने को 3 साल पूरे होने को है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इतने कार्बन कमाल हैं कि उनसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। वो नहीं चाहते कि कोई पवार शेयर करे, वो चाहते हैं कि सिर्फ बीसीसीआई हो, यानी कि बड़े चोर चलाएं इंडिया। हम जैसे ठंडा ठंडा कूल कूल वर्लपूल छोटे चोर सिर्फ उनके टुकड़ों पर पले। लेकिन मैं डीएलएफ आईपीएल के एमआरएफ टायर के गुब्बारे की कसम खाकर कहता हूं, एक एक हरामी की रॉयल चैलेंजर्स नहीं तो मेरा नाम बदल देना। वैसे भी पार्ले जी प्रेजेंट्स
पॉकेट भगवत गीता में लिखा है, ऐश तू कर यारा, ऐश तू कर, दुनिया जाए तेल लेने, ऐश तू कर, जय हिंद। तो ये था ललित मोदी का एक्सक्लूसिव रेजिग्नेशन लेटर, जिसे स्पॉन्सर किया था 12 कंपनियों ने। अभी बाकी है, भूटान ने किया चाइना पर हमला और बाबा रामदेव ने जीता फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मूड नहीं है। ए चकना लाना रे। तो ये थे हमारे ललित मोदी साहब अपने स्पॉन्सर्ड इस्तीफे के साथ। और अब जब वो सस्पेंड हो गए हैं, तो क्या अपने फिटेड सूट्स की जगह सस्पेंडर पहनने लगे होंगे ये? और अगर सस्पेंड होने के बाद भी उतने ही एनिमेटेड रहे जितने पहले थे, तो क्या उन्हें सस्पेंडेड एनिमेशन में हैं कहना चाहिए? सर जो भी है, बहुत गहरे सवाल है, आराम से सोचिए। मैं जाता हूं, टिल देन जय हिंद। कोची के कोची में फंस गया तरूण, ट्वीट किया हजार, मेरा नहीं कोई कसूर। मोदी का भी फिर हो गया अकेला, बीसीसीआई के सामने हुआ वो अकेला। दोनों ने खाई एक दूसरे से कार, आईपीएल की एक नई शुरू हो गई था। कौन बनेगा टूरिस्ट गाइड कोची का, पुणे का, फॉरेनर को शहर में कैसे घुमाने का? थरूर को खाई में किसे ढकेला? ओ पुष्कर। फाइनल में मोदी का स्पीच एकदम ढकेला रे, ओए चुप कर। लगता है टाइम पे आ गया चिरायु, जैसे राम जगह जा गया चटाऊ। सोचता हूँ टीम बना लूँ मैं भी एक, आईपीएल के दावे पर रूलोटिया से। सोचता हूँ टीम बना लूँ मैं भी एक, आईपीएल के दावे पर रूल लोटिया से। ओ बेटा, दैट्स इट।